उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम की ओर से एक रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल आबकारी विभाग के अधिकारी ने अंबा माता इलाके में एक रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई की थी। हालांकि इस दौरान छापेमार कार्रवाई के दौरान टीम को रेस्टोरेंट में कोई अवैध गतिविधियों का संचालन होते हुए नहीं पाया गया, लेकिन टीम के एक अधिकारी ने रेस्टोरेंट संचालन को बेवजह थप्पड़ जड़ दिया और ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और वही रेस्टोरेंट के संचालक ने आबकारी अधिकारी पर जातिगत टिप्पणी करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। रेस्टोरेंट के संचालक ने इसकी रिपोर्ट भी अंबा माता थाने में दर्ज करवाई है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रही है। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक दीपक सुवाल का है जिनका मंगा तली में ठेका है, उनका मेरे पास फोन आया कि मेरे से शराब लेकर तुम बेचो। मैंने मना किया, मैं इनलीगल तौर पर शराब नहीं बेच सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे पर दबाव डाला, तेरे को बेचना पड़ेगा नहीं तो मैं तेरे पे फर्जी रेट पड़वाऊंगा। ऐसा उन्होंने धमकी, मैंने उसको धमकी समझी और मैं मेरा बिजनेस संभाल रहा था लीगली तौर पर। ऐसा कल उन्होंने आबकारी टीम के साथ मेरे रेस्टोरेंट पर उन्होंने इनलीगल तौर पर मेरे अंदर आए और मेरे पर पूरे रेस्टोरेंट में छानबीन की। उसमें मौके पर कोई शराब ना तो पिया गया पाया गया, ना कोई उसमें बरामद हुआ है। पर इनलीगल तौर पर उन्होंने मेरे को धमकाया, जाति सूचक गालियाँ दी और मुझे कान पे थप्पड़ मारा जिसमें मेरे कान का पर्दा पड़ गया है। और मेरे साथ वापस जाते जाते ये भी कहा गया है, तेरे पास जब तक शराब नहीं मिलेगा मैं खुद रखूँगा और मैं तेरे पास रोज़ ऐसी